साहित्य में फूहड़ता जैसा कोई चीज है नहीं मेरे हिसाब से। मतलब फूहड़ मेरे हिसाब से इसलिए कुछ भी नहीं है क्योंकि जो भी है वो इस समाज का दिया हुआ है, समाज से ही लिया हुआ है ना। मतलब आप इस कुएं से में डालते हैं और इस कुएं से निकाल के इधर डाल देते हैं, तो जो हमारा मुख्य विषय है वो गद्य पर हम बात कर रहे थे, तो जो गद्य वाली बात है नहीं है पारिवारिक। गद्य में फूहड़ता या पद्य में फूहड़ता वाली बात इसलिए नहीं है हम, मतलब मेरे हिसाब से, मेरे लिहाज से गद्य के सशक्त वर्णन की हम बात करें तो मुझे लगता है ज्यादा मौजू होगा, क्योंकि गद्य का सशक्त वर्णन हम ऐसा गद्यकार जो है मानते हैं। लेकिन अगर आप रश्मि रथी पढ़ें या राम की शक्ति पूजा पढ़ें तो वो दोनों जो है वो अपने आप में संपूर्ण गद्य है, जबकि वो पद्य शैली में लिखे हो। मतलब राम की शक्ति पूजा किसी भी गद्य को फेल करता है, रश्मि रथी किसी भी गद्य के आगे, मतलब उसके आगे कोई भी गद्य फीका है। तो ये जो मतलब जो एक रिफ्ट होता है आपस में कि नहीं इसका गद्य, लेकिन हाँ पद्य में जब आप बात करते हैं तो बिंबों में बात करते हैं, गद्य में जब आप बात करते हैं तो वर्णात्मक बात करते हैं, और वर्णात्मक बात किसी भी व्यक्ति को ज्यादा टच करती है, ज्यादा समझ में आती है, क्योंकि वर्णन जो है वो हमारे यहाँ बचपन से हमारे इनहेरिट है, हमारे अंदर वर्णन बसा हुआ है। लेकिन जो बिंब है उसको आपको डेवलप करना पड़ता है। बस यही वजह है कि बिंब को समझना और गद्य को आसानी से आत्मसात कर लेना की वजह से हमें ऐसा लगता है कि गद्य जो है वो सशक्त माध्यम है किसी चीज का। आप कविता को अगर थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें और केवल कहानी या उपन्यास की बात करें तो आप रिपोर्टाज बहुत कम लोग पढ़ते हैं, या डायरी पर हम बात नहीं करते हैं, यात्रा संस्मरण पर बात नहीं करते हैं, लेकिन ये भी कोई देश है महाराज आप पढ़िए, या अगर आप निर्मल वर्मा का जलती झाड़ी पढ़ लीजिए, जलती झाड़ी एकदम विशुद्ध रूप से रिपोर्टाज है, लेकिन वो आपको किसी भी पद्य और किसी भी गद्य से ज्यादा मजा देता है। क्योंकि मुझे उस हरिद्वार को जानना, उस कुंभ को जानना, उस प्रयाग को जानना जितना खूबसूरत उस यायावर की दृष्टि से लगता है उतना शायद कोई कल्पनाशील, कोई नायक मुझे बता नहीं सकता है। तो वो जो गद्य की शक्ति होती है वो उस लेखक पे, उस व्यक्ति पर निर्भर करती है कि वो किस तरह से कर रहा है। अब जैसे हम अगर आपकी बात पर भी मैं आऊँ फूहड़ता को लेकर, तो कई फूहड़ वर्णन भी आप अगर किसी